2024 SCMR 622। एविकीवी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड को एविकीवी ट्रस्ट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वाउ डिस्पोजल एक्ट 1975 की दफा 4(2)(f) के तहत एविकीवी ट्रस्ट प्रॉपर्टीज के किराया का तयन या दोबारा तयन करने का इख्तियार है। अगरचे एविकीवी ट्रस्ट प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल एक्ट 1975 में खास तौर पर इसका जिक्र नहीं है, ताहम ये मफरूजा है कि किरायादार की तरफ से अदा किया जाने वाला किराया मुनसिफाना, माकूल, गैर जानिबदार, बेलौग, गैर मुतासिब और मौजूई होना चाहिए। ये ख्वाहिशमंद है कि किरायादारों को कुछ तहफ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि यकीनी बनाया जा सके कि उनका इस्तेहसाल ना हो। उसी वक्त किराया को मामूल के मुताबिक हर 3 से 4 साल बाद नज़रसानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि मार्केट किराया महंगाई की मौजूदा शरह के साथ हर 3 से 4 साल बाद मामूली या गैरअहम हो जाता है। अर्बन एविकीवी ट्रस्ट प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट और डिस्पोजल के लिए 1977 की स्कीम में जायज तवक्को की हिफाजत मौजूद है और उसकी मौजूदगी 2 तरीकों से तरीकाकारी इंसाफ को लाती है। पहला, एक पॉलिसी या अमल जो किसी खास तरीकाकार को अपनाने का तकाजा करता है। किरायादार को यह हक देता है कि वो मुतालबा करे कि किराया के तयन या दोबारा तयन के लिए तरीकाकार पर अमल किया जाए, और दूसरा, अगर किसी माकूल फायदा की जायज तवक्को हो तो ये फायदा रोकने से पहले मुनसिफाना तरीकाकार का हक पैदा कर सकता है। स्कीम की शिक्षों 10 और 11 से ये वाजह है कि जिले अफसर को एविकीवी ट्रस्ट प्रॉपर्टी का किराया मार्केट किराया और उसी तरह के हालात में करीबी प्रॉपर्टीज के किराया को मद्दनजर रखते हुए तय करने का पाबंद बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि इसके इख्तियार बेलगाम नहीं हैं, वो किराया का तयन करते वक्त अपनी मर्जी के मुताबिक अमल नहीं कर सकता, वो स्कीम में बयान करदा मियारात का मुशाहिदा करने का पाबंद है ताकि किसी भी गैर मुनासिब मकसद और जबर के इम्कान को ख़त्म किया जा सके। ये भी वाजह है कि किराया के तयन के तरीकाकार में शफाफियत लाने के लिए मौजूदा शख्स ये यकीनी बनाती है कि न सिर्फ मुजवजा तयन किराया किरायादार के मुआयना के लिए खिला होता है बल्कि इन्हें एतराजात और समाअत का मौका भी फराहम करता है। किराया के तयन में नाइंसाफी को रोकने के लिए एक इजाफी अकदाम बोर्ड के चेयरमैन या मुतालिका एडमिनिस्ट्रेटर को 100 मोटू किराया के तयन की दुरुस्तगी या मुनासिबत का जायजा लेने का इख्तियार दिया गया है। इसके अलावा हर 6 साल बाद किराया का दोबारा तयन करने और हर साल 8% की शरह से इसमें इजाफा करने की हिदायत की गई है। स्कीम की शिक्षों 10 और 11 जैसा कि तरमीम शुदा हैं, न तो मनमानी हैं, न ही जाबराना या नामाकूल हैं,